स्वामी जी देवर प्रधान के साथ गए राज कलिंजर। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात, रात से फिर सुबह। लेकिन स्वामी जी अब तक लौट कर नहीं आए राजमहोबा में। मैं महल में बैठकर अपने स्वामी जी की बेसब्री से इंतजार करती हूँ। लेकिन ये क्या, जब आज अपने शिवा महल में सोकर उठी, जब आंगन बहारने को निकली, तो मैं क्या देख रही हूँ? हे मुरी मुरी Thank you.
बताइए ना प्रधान जी, क्या कहे किसे कहे माधवी मंसूर है जंग को तरीका देकर देवा को कले लो छुपके छुपके दिल्लिया। अरे ऐसा दिलावर कौन है पता नहीं लग रहा मुझे कि आज आपके मन में क्या है भाभी। मेरा बात क्या सुन लो, हाँ पालक का गन फोड़ो, क्या भी फोड़ो, नथिया उतारो, टीका उतारो, झुमका उतारो, सर्द भोड़ो। देवर जी ये अब क्या आराम समाप्त करने जा रहे हैं, ऐसी मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं मैं कुछ समझी नहीं। भाभी जब दोनों को गया था रात के अंदर अचानक एक बुढ़ा आकर के गंगी महाराज को ताना मार दिया। जनता लोग सभा के राजा लोग रुदो को चमचा देखते हैं, रुदो निपुत्र है भैया भाभी। इसलिए गंगी महाराज हो सकता है कि गंगा में डूब गया जिंदा वो नहीं बता सकते हैं, मैं चल करके जा रहा हूँ गंगी लाने के लिए। इसलिए भाभी राजपुरी ने करके तुमसे मुलाकात किया है, अभी जिस प्रकार रात मौलम में गंगी को मोहित किया उसी प्रकार से रोज कुमार बत्तीस को बंद करो और जल्दी करो मेरा साथ गंगा पर। ये अब क्या कह रहे हैं, एक माही सिंह के ताना देने पर स्वामी जी नदी गंगा में डूबने गए हैं। नहीं देवर जी ऐसा नहीं हो सकता, स्वामी जी मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते। क्या अब सच कह रहे हैं भाभी? आज तक मैं नहीं कभी झूठ बोला और नहीं बोलूंगा, जो कुछ कहूँ सब सब बहुत होगी वचन हमारा भाभी मानो। देवर जी क्या करूं आप ही बताइए, आप ही कोई उपाय बताइए। उपाय तो यही है भाभी, तुम सरोज नाम पतीश को अपन करो, नाक मंडल कहना छाना पाये टीका लिपिस्टिक जो सिंहार जो होती है वो सिंहार कर लो और आगे बढ़ो और मैं मिशन से आता हूँ। ठीक है देवर जी मैं आगे जाऊंगी आप पीछे से आइएगा। हाँ भाभी ठीक है देवर जी मैं ऐसा ही करूंगी, आप जो कहिएगा मैं वो करूंगी, लेकिन मैं अपने स्वामी को आराम से बचाऊंगी। गंगे बचा करके आई बात बनो भाभी, आई बात बनने के पूरा चलता है भाभी, जल्दी चलो। ठीक है प्रधान जी भाभी।
वैसे नीट बढ़ेगा गाँव में, वैसे बढ़ेगा तुम्हारा। क्या बात महारानी जी? बाबा तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो, मेरी नैहर के साथ साथ ससुराल तक आई हो, हमेशा मेरे लिए काम करती हो। बाबा क्या आज मैं कुछ कहूँगी तो हमारी मदद करोगी? क्यों नहीं करूँगी बाबी। देखो एक पुत्र के कारण मेरे स्वामी जी नदी का नाम ढूंढने गए हैं। बाबी